देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब फैसला तेरे हाथों में है, तुझे क्या चाहिए, राधा का सच या मोहन की जिंदगी। राधा ने कुछ नहीं किया, तो क्यों पीछे पड़ी हो तुम इसके? बस करो गुनगुन, जवाई जी। जी सासुमा। गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। चलो गुनगुन। राधा झूठ नहीं बोल रही है, प्लीज बिलीव मी। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे राधा के पास रहना। चलो बेटा चलो। देखो ना जवाई जी, गुनगुन को कमरे में ले जाइए। इस गुनगुन को राधा से अलग मत कीजिए मां, प्लीज। अच्छा बेटा, गुनगुन बेटा। अजीत भैया मत करिए ना ऐसा, छोटी भाभी मत करिए ना ऐसा। राधा राधा मुझे नहीं जाना। नहीं गुनगुन, गुनगुन बहुत हो गया तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा राधा। तुम पहले ही गुनगुन को बहुत कुछ सिखा चुके हो, जिसका नतीजा हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं। तो प्लीज आज के बाद ना मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। गुनगुन तुम्हारी बेटी नहीं है। दामिनी चची, बहुत खेले होंगे आपने ये गंदे खेल, पर हमारे और गुनगुन के रिश्ते के बीच ना घुसने की हिम्मत भी मत करिएगा। गुनगुन ने हमें अपनी मां चुना है। सामा सब सुख दैनी, रसिका मुकुट मणि राधिके। मोहन अगर तुम मुझे सच में लव करते हो तो राधा से शादी कर लो प्लीज, मुझे मेरी पसंद की मम्मा दे दो। हमने चाहे गुनगुन को जन्म ना दिया हो, पर बाके बिहारी जी साक्षी, हमने उन्हें बिल्कुल उनकी माँ की तरह ही प्रेम किया है। खुद को माँ कहती है ना गुनगुन की। अरे गुनगुन को प्रेम करना तो दूर, उन्हें आपने डराया धमकाया और न जाने कितने तरीकों से चोट पहुंचाने की कोशिश की आपने। तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद अगर गलती से भी आपने कभी हमारे और गुनगुन के रिश्ते के बीच घुसने की कोशिश की या हम दोनों को दूर करने की कोशिश की ना दामिनी जी, तो बाकी बिहारी जी की कसम हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
सुन लिया दामिनी, ये होती है माँ। तुम राधा से तो लड़ सकती हो, लेकिन राधा के अंदर की गुनगुन के माँ से नहीं। देख रहे हो ना मोहन, कुछ महीने पहले तक तो ये लड़की दामिनी जिज्जी कहते थकती ही नहीं थी, और अब इसे देखो पूरे परिवार के सामने मुझे धमकी दे रही। अरे ये ऐसे रंग दिखाएगी वो तो हमें उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जिस दिन ये लड़की पहली बार तुम्हारे और गुनगुन के बीच में आई थी। क्योंकि यही इसका प्लान था, हमारी गुनगुन को हमसे छीनना। मैं तो पहले ही कह रहा था कि दो कौड़ी की पंडित की लड़की इस घर में फुल फ्लेज प्लान बना के आई है। लेकिन मेरी बात में कोई यकीन करे तब ना। हमें लगा कि ठीक है, गुनगुन को एक नई दोस्त मिल गई, लेकिन हमें क्या पता था ये तो इस घर में गुनगुन की मां बनने आई है। राधा तुमने तो गुनगुन को बहला फुसला कर खुद को उससे मां बुलवा ही लिया, लेकिन कभी ये मत सोचना कि तुम बेटी को सीढ़ी बनाकर उसके पिता तक पहुंच पाओगे। कोई रिश्ता जोड़ पाऊंगी। जो रिश्ता हमारा गुनगुन के साथ बनाया ना, वो हमारे दिल से लेकर उनके दिल तक है। और जो रिश्ता हमारा मोहन जी के साथ बन गया, वो तो अब उम्र भर रहेगा। और आपकी आंखें ना वो नहीं देख सकती जो हमारी आंखें देख सकती। ये रिश्ता ना इस जन्म का नहीं है, बल्कि ना जाने कितने जन्मों से ये रिश्ता चला आ रहा है। तो क्या करोगे तुम राधा? मारोगी? पीटोगी? क्या करोगी तुम अगर मैंने गुनगुन को तुमसे अलग कर दिया तो? करके तो देखिए अलग, फिर पता चलेगा आपको कि हम क्या कर सकते हैं। सुना सुना आप लोगों ने सुना क्या बोल रही है ये? माँ ये लड़की ना मोहन के प्यार में पागल हो चुकी है, अब मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी। बस दामिनी, अभी हम इस घर के फैसले लेने के लिए जिंदा हैं। जवाई जी, तुम लोग को अंदर ले जाइए। राधा मुझे नहीं जाना। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज गुनगुन को राधा से अलग मत कीजिए, वो नहीं रह पाएगी। वो तुम कुछ बोलो ना, देखो ना प्लीज। काकी जी हमें गुनगुन के पास जाने दीजिए ना, काकी जी ऐसा मत कर। काकी जब हमके हाथ जोड़ते पैर पटते भी जाने दीजिए ना। छोड़िए ना गुनगुन, अजीत भैया छोड़ दीजिए ना गुनगुन को, अजीत भैया मत करिए ऐसा।
आज के बाद तुम गुनगुन से कभी नहीं मिलोगी। जवाई जी गुनगुन को ले जाइए। नहीं नहीं अजीत भैया नहीं जी, काकी जी हम नहीं रह पाएंगे गुनगुन के बगैर। जवाई जी। जी सासू मां। गुनगुन से दूर रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है राधा। माफ मत कीजिए ना प्लीज। आज के बाद तुम गुनगुन से नहीं मिलोगी। आज अगर तुम्हें बचाने के लिए उसने ये सब किया है तो कल पता नहीं और क्या क्या करेगी वो। काकी जी ये सब ना गुनगुन ने अकेले नहीं किया है। नहीं राधा, मेरे बारे में कुछ मत बोलो, ये लोग यकीन नहीं करेंगे। ये सब जानते हैं लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। प्लीज कुछ मत बोलो तुम। राधा कहीं तुलसी का नाम ना ले ले। तुलसी ने इसे भी अपने होने का आभास तो नहीं कराया। राधा बातों को घुमाओ मत। हम मम्मा राधा बात को घुमाने की कोशिश नहीं कर रही है। राधा कब से कुछ बोलना चाह रही है, कोई ना कोई उसे टोक रहा है, उसे बोलने तो दीजिए। प्लीज एक बार उसकी बात सुन लीजिए। हाँ कादंबरी, हमें भी लगता है हमें राधा की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। काकी जी हम ना ये बात ना गुनगुन के सामने नहीं कहना चाहते थे, वरना वो डर जाती। पर हमने ना इस घर में किसी के होने का आभास किया है। कई बार अपने आसपास ऐसा लगा कोई है, ऐसा एहसास हुआ हमें, कोई आत्मा कोई शक्ति कुछ तो है जो हमें पता नहीं है क्या, पर वो हमारे साथ है। और वो नहीं चाहते है कि परिवार का किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी बुरा हो। क्या बकवास कर रही हो राधा? तुम ये कहना चाहती हो कि हमारे घर में भूत है? देखो अपनी बातों पर पर्दा डालने के लिए ना भूत प्रेत की बातें करके बातों को उलझाओ मत। हमें इन सारी बातों पर विश्वास नहीं है। माँ आप बोल रही हैं? आप तो सब जानती है ना। और आज जो तुमने ये सब किया है ना, तुम भूत प्रेत की बातें करके उन सारी बातों को घुमाना चाहती हो। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। देखा राधा, मैंने कहा था ना तुमसे, इन्हें पता है मेरे बारे में, लेकिन ये लोग नहीं भरोसा करेंगे। मत बोलो। सच बोलने की हिम्मत आप में भी नहीं है ना माँ? काकी जी आप एक बार तो विश्वास करिए ना हम पर। राधा काकी जी हमें सच में आभास हुआ है कि कोई है हमारे साथ यहाँ पर। हाँ हमेशा लगता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है, कोई हमेशा होता रहता है। काकी जी विश्वास करिए ना हम पर।
लगता है आज ये बुतनी को जिंदा करके ही मानेगी। कर लेने तो कोशिश मम्मा, कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। बस करो राधा, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हम ना ही झूठ बोलते और ना ही झूठ बोल रहे हैं। मोहन जी, आप ही दुलारी जीजी से पूछिए ना, उन्हें भी आभास होता रहता है कि घर में कोई है, कोई शक्ति है, पूछिए उनसे। हाँ राधा सच कह रही है। जवाब देने से पहले सोच समझ कर जवाब देना। क्योंकि तुम्हारे जवाब से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ध्यान से। घर में कोई बुरा साया घुस आया है? इस बारे में घर के किसी भी सदस्य के साथ हमने तुम्हें बात करते सुना ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दुलारी, सच बोलने की हिम्मत तुम्हें भी नहीं है? बोलो, बताओ माँ को, राधा झूठ नहीं बोली, बताओ सबको। हाँ राधा सच बोल रही है। हमें भी कुछ दिनों पहले भूत जैसा कुछ तो दिखा था। दिखा नहीं था, भूत को कौन देख सकता है, पर हाँ हमें ऐसा जरूर लगा था कि घर पर कोई तो है। पर बाद में समझ में आया कि आजकल हम भूत वाली फिल्में बहुत देखने लगे हैं, तो वही सब दिमाग में बैठ गया था। असल में हमें भी नहीं पता कि घर में भूत है या नहीं। दुलारी को डरने की जरूरत है? बिल्कुल है, पर किसी और से नहीं, तुमसे। अच्छा मैं क्या डाल रही हूँ तुम उसके दिमाग में? अब अपना झूठ छुपाने के लिए तुम उस बिचारी को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रही हो राधा। ना तो हम झूठ बोल रहे हैं और ना ही हम किसी से डर रहे हैं। मोजी आप कुछ बोलिए ना, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? मोजी सबको बताइए ना। मोजी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये ना हमारा सबसे बड़ा सच है मोजी, और हमारे जीवन का सच ये भी है कि हमने आपको कभी पाने की कोशिश नहीं की और ना ही अपना बनाने की कोशिश की है। मोहन जी, मोहन जी कुछ तो बोले ना, आप चुपचाप क्यों खड़े? आपको हमारी बात माननी होगी। मोहन जी मोहन जी हमसे नहीं, किसी और से नहीं, तो कम से कम अपने दिल से बोलिए ना। मोहन जी घर में सबसे ज्यादा आप ही हमें जानते हैं। आपको क्या लगता है हम कभी भी ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको, गुनगुन के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचे? हमने आज तक इस घर के लिए, आपके लिए, गुनगुन के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, उनके भलाई के लिए किया है। मोहन जी, मोहन जी कुछ तो बोले ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ही ना मोहन जी।